अपने डेरे में था एक इंजीनियर, पढ़ा लिखा बड़ा आ गया, तुम तबलीग वाले मुनाफिक हो, तुम तबलीग वाले जो है ऊपर से कुछ हो अंदर से कुछ हो, ये करते ये करते ये करते, शुरू शुरू शुरू। मेरे डेरे में था, मुझे बोलना नहीं था, मेरा मेहमान था, मेहमान तो जूता भी मारे तो हमें सहने का हुक्म है। मैं चुप करके सुनता रहा। जब वो सारा कुछ बोल बैठा तो मैंने कहा भाई साहब अल्लाह ताला ने परफेक्शन नहीं मांगी, काउंटिंग कहा है, काउंटिंग करूंगा। 100 नंबर नहीं मांगे, कहा है मैं काउंटिंग करूंगा, अगर तुम्हारे 51 हुए तो बाकी माफ कर दूंगा। तो जो गुनाह ऐब सवाब आप बता रहे हैं, मुमकिन है अल्लाह माफ कर दे उन नेकियों की वजह से जो तबलीग वाले कर रहे हैं। और किसी को बुरा कहना ये अपने बुरा होने की पहली निशानी है। मेरे नबी ने फरमाया किसी के बुरा होने के लिए यही काफी है कि दूसरे को बुरा कहे। ये मैं उसे नहीं कहा, ये वैसे आपको बता रहा हूं, उसको ये मैंने नहीं कहा, आपसे अर्ज कर रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया कि किसी के बुरा होने के लिए इतना ही काफी है कि दूसरों को बुरा समझो। मैंने कहा अल्लाह ने काउंटिंग रखी है, काउंटिंग। और मैंने कहा ये जो हुकूमत पाकिस्तान है ये कोई इतनी अच्छी हुकूमत नहीं है, लेकिन ये भी अपने रियाया के लिए इतनी रहम दिल है कि जो लड़का 33 नंबर ले उसको पास कर देते हैं, 67 नंबर नहीं लिए कोई भी नहीं कहता कि तू फेल है, सब कहते तू पास है, तू पास है, तू पास है। फेल होने का ताना को नहीं दे सकता, पास है, ठीक है। मैंने कहा अल्लाह इस हुकूमत पाकिस्तान से करोड़ों गुना ज्यादा मेहरबान है, पता नहीं कौन सी नेकी पे मेहरबान अगर जाओ। लेकिन जो का मिजाज बन गया है तनकीद तनकीद, यहां तक एक कहने लो जी देखो जी नूर जहां 27 रमजान मर गई, शब कदर मर गई, मैं कह अल्लाह ते केस करो हूं जा, अल्लाह ते मुकदमा करो भाई, नूर जहां 27 रमजान को क्यों मर गई, 27 रमजान को कोई आदमी अपनी मर्जी से मर सकता है? इतनी मुकद्दस रात, इतना मुकद्दस दिन, तो कोई बात तो अल्लाह को पसंद आई जो उसकी मौत दी। लेकिन हमारी आदत बन गई है कमियां पकड़ना, टॉन्टिंग करना, छलनी कर देना सीना, अपने आप धुनरे धुनिए अपनी तुझे क्यों फिक्र है ए गुल दिले सद चाक बुलबुल की, तो अपने पैरहन के चाक तो पहले रफू कर ले।